हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वन प्लस मोबाइल में अलार्म लगाते हैं नहीं बजता या पता नहीं चल पाता है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में खोजना है क्लॉक वाले ऐप को, मिल जाएगा। देखिए क्लॉक नाम का रहेगा, आप चेक कर लेना कहीं पर मिलेगा। आपको इसे ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे इस प्रकार ओपन होगा। अब आपको सबसे पहले अलार्म पे क्लिक करना है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, फिर आपको अलार्म लगाने के लिए प्लस पे क्लिक करना है, नीचे या ऊपर जहाँ भी मिले ऑप्शन प्लस वाला। फिर यहाँ पर देखिए 9:17 हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम लगाते हैं 9:20 पे या 19 मिनट पर, चलिए लगाते हैं 9:19 पे। आपको भी यही करना है, कितने बजकर कितने मिनट पर लगाना है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इधर लेफ्ट में घंटा है और इधर राइट में मिनट, तो इतना आपको करना है। फिर आपको देखिए रिंगटोन पे क्लिक करना है, जो रिंगटोन आप लगाना चाहते हैं यहाँ से सिस्टम रिंगटोन आप ले सकते हैं। और गाइस, अगर आप चाहते हैं अपने फाइल मैनेजर के किसी गाना को लगाना तो ऊपर आप सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स पे क्लिक करके आप किसी गाना को लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है इस गाना को। फिर आपको इतना करने के बाद ऊपर इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए रिंग 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में अभी ये बजेगा, क्योंकि 9:18 हो रहे हैं और 9:19 पे हमने लगाया है। और गाइस, अगर आप चाहते हैं और अलार्म लगाना इसके आसपास कोई भी समय हुआ तो आपको फिर नीचे क्लिक करना है इस प्लस वाले ऑप्शन पे, और एक लगाते हैं हम 9:30 पे लगा देते हैं। चलिए देखिए ये बज रहा है, 1 मिनट हो चुके हैं। तो जैसे ही 1 मिनट हुए, जो अलार्म हमने लगाया था वो बज गया, प्रूफ के लिए मैंने आपको दिखा दिया। अब एक 9:30 पे लगाते हैं, फिर रिंगटोन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से किसी भी रिंगटोन को ले लेते हैं सिस्टम वाले या फिर फाइल मैनेजर के, फिर ऊपर डन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अलार्म और लगा है जो कि अभी 11 मिनट पे बजेगा। तो गाइस, इस तरीके से आप अलार्म लगा सकते हैं, और गाइस जो अलार्म लगाएंगे आप वो बजेगा भी। तो आज के दिन बस इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।